कोसीकला भटेन गेट पर डकेल रेडियो लगाकर फल सब्जियां खोमचा बेचने वाले दुकानदारों को पुलिस द्वारा प्रतिदिन परेशान किया जाता था। उनके रेडियो को पुलिस द्वारा पलट दिया जाता, इसे भी दुकान पर परेशान होते थे, जिसके चलते रेडियो वालों को अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही महंगा पड़ रहा था, जिनकी गुहार को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आज सोमवार की सुबह सभी दुकानदार एकत्रित होकर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, प्रतिनिधि देव चौधरी से मिले और उनके अपनी गुहार लगाई। सभी दुकानदारों की बात सुनकर मंत्री प्रतिदिन ने कोसी थाना प्रभारी प्रमोद पवार को बुलाकर मौके पर ही निस्तारण कराया और डकेलबारों को आश्वासन दिया कि आप सभी अपनी डकेल बटन गेट पुल के नीचे लगाएं और कोरोना जैसी महामारी में साफ सफाई का अधिक ध्यान रखें। ऐसा है, हमारे जितने भी डकेल वाले, कोपचे वाले जो हल्की डकेल लगाते हैं, थोड़े से फास्ट फूड वगैरह होते हैं, उनकी डकेल लगाते हैं, ये सब बेचारे आए 100-200 आदमी। आपको मालूम है बेरोजगारी इस समय चरम पे है। लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन के पीरियड में 5-6 महीने आदमी अपने घर बैठा रहा, बहुत से आदमी इस तरह बेरोजगार हो गए हैं कि उन्हें अपने परिवार का भरण पालन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जैसे ही NHAI का कहीं सर्वे हुआ था, माननीय मंत्री जी की, सांसद जी हेमा मालिनी जी, हमारे परिवहन मंत्री गडकरी जी से बात हुई है। कोसी का जो फ्लाई ओवर है, ये बठेन गेट वाला फ्लाई ओवर सीधे रेलवे पुल वाले फ्लाई ओवर पर जाके मिलाने की योजना है। इसमें बीच में एक अंडरपास खोखला बन के कटवे, जो कि बहुत ज़रूरी है शहरवासियों की सुविधा के लिए, बनवाया जा रहा है। जब NHAI वाले अधिकारी सर्वे के लिए यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बठेन गेट पर 100-200 ढकेल लगी हैं, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है, गंदगी का अंबार लगा रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया, DM साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ, कि ढकेलों को हटवाया जाए NHAI की ज़मीन से। तो डकेल वाले बेचारे अपनी व्यथा रोने के लिए मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि साहब हमें वहाँ से पुलिस के द्वारा खदेड़ा जा रहा है। दूसरा, आपको अपने माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि एक अस्थाई पुलिस चौकी बठेन गेट पर पुल के नीचे बहन बेटियों की सुरक्षा हेतु, और देर रात आमजन के आसानी से समागम हेतु, आने जाने हेतु पुलिस पर हम बनवा रहे हैं, जिससे कि उसी शहर और आसपास के इलाके को भी दिक्कत ना हो। आज हमने अनुरोध कर लिया है सभी पुलिस अधिकारियों से, कप्तान साहब से भी, जिला अधिकारी से, SDM से, सबसे, कि बेचारे गरीबों को लॉकडाउन में वैसे ही बहुत दिक्कत रही है, अब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी अधिकारी आश्वस्त कर गए हैं, ढकेल वाले आसानी से अपनी ढकेल लगाएं, केवल गंदगी का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं।